हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। दिस इज रेनू मेहरा फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक कनक का पाठ 10 शब्द भंडार और पाठ 12 मुहावरे का दोहरान करेंगे। तो सबसे पहले हम दोहरान करेंगे पाठ 10 का। शब्द भंडार पढ़ने के लिए बच्चों, आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 52 पर आएंगे। वहाँ है हमारा पाठ 10 शब्द भंडार। शब्द कई प्रकार के होते हैं बच्चों, जैसे कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 53 पर आएंगे। वहाँ आपको दे रखे हैं पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों, पर्याय का अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द। तो पर्यायवाची शब्द कौन से हुए? जिन शब्दों के अर्थ जो हैं समान होते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे शब्द दे रखे हैं, लेकिन बच्चों, अध्यापक से लेकर के तालाब तक आपको टर्म 1 में पढ़ने हैं। तो उसके लिए आप अध्यापक से लेकर के तालाब तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 संख्या अंकित करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अध्यापक। बच्चों, अध्यापक को हम शिक्षक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षक, या फिर हम कहते हैं इसे आचार्य और गुरु भी। तो ये अध्यापक के पर्यायवाची शब्द हुए। दूसरा है हमारा आग। आग को हम अग्नि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नि और अनल। उसी प्रकार तीसरा है हमारा ईश। ईश का अर्थ होता है ईश्वर या फिर भगवान। उसके बाद है बच्चों औरत। औरत को हम नारी भी कहते हैं और महिला भी। तो आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं, ये सभी शब्द वहाँ भी दिए हुए हैं। उसके बाद है कपड़ा। हम सभी कपड़े पहनते हैं बच्चों। कपड़े को हम कहते हैं अंबर या फिर वस्त्र या वसन भी कहा जाता है। कपड़ा के बाद है हमारा अगला शब्द गाय। गाय को हम कहते हैं बच्चों गौ और धेनु। ये गाय के पर्यायवाची शब्द हैं। गाय के बाद है घर। घर को हम कहते हैं गृह और आलय। ये घर के पर्यायवाची हैं। इसके बाद है शब्द चांद। बहुत ही आसान है। चांद को हम चंद्रमा कहते हैं और इसके अलावा हम उसे चंद्र या चंदा भी कहते हैं। इसके बाद है जल। जल को हम कहते हैं बच्चों नीर और पानी। हम सभी पानी पीते हैं, उसे हम जल भी कहते हैं। और अंत में है हमारा तालाब। तालाब को हम कहते हैं बच्चों ताड़ और सरोवर। तो ये हुए हमारे पर्यायवाची शब्द जो आपको याद करने हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। उसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 55 पर आएंगे। वहाँ है विलोम शब्द। बच्चों, विलोम का अर्थ होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जिनके अर्थ विपरीत होते हैं या उल्टे होते हैं। अब आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 56 पर आएंगे। वहाँ पर आपको कुछ विलोम शब्द दे रखे हैं। उसमें आपको अंदर से लेकर ध्वनि तक टर्म 1 में पढ़ने हैं। इसके लिए आप अंदर से लेकर ध्वनि तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 संख्या अंकित करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों अंदर। अंदर का विलोम होता है बच्चों बाहर, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं वीडियो में। इधर का विलोम होगा उधर। बहुत ही आसान है। उदय अर्थात उगना, सूर्य उदय होता है बच्चों। सूर्य उगता है
और उगने के साथ ही वो क्या होता है, डूबता है, जिसे हम कहते हैं अस्त। कमज़ोर, कमज़ोर का जो विपरीत होता है या विलोम होता है वो होता है मजबूत। उसके बाद है घृणा। घृणा अर्थात किसी से नफरत करना, उसका विलोम होता है प्रेम। ठीक है बच्चों, अब है हमारा शब्द चुस्त। चुस्त का विलोम होगा सुस्त। उसके बाद है छाया। आपको याद है पेड़ हमें छाया देते हैं, और छाया का जो विपरीत होता है वह है धूप, जो कि हमें सूर्य देता है। उसके बाद है खिलना। हम सभी जानते हैं फूल खिलते हैं, और खिलने के साथ ही उसके अलावा क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। तो खिलना का विलोम शब्द हुआ मुरझाना। उसके बाद है जन्म। हम सभी जन्म लेते हैं, और जन्म का जो विपरीत होता है या विलोम शब्द होता है वो होता है मृत्यु। उसके बाद है धनी अर्थात जिसे हम अमीर कहते हैं, और धनी का जो विलोम है वो है निर्धन। तो ये हुए बच्चों हमारे विलोम शब्द जो हमें टर्म वन में सीखने हैं। अब हम दोहरान करेंगे बच्चों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 57 पर आएंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अर्थ है कि हम अनेक शब्दों को या वाक्यांश को छोटा करके या एक शब्द में लिखते हैं। अब हम देखेंगे पृष्ठ संख्या 58 पर। आपको यहाँ पर कई सारे शब्द दे रखे हैं, इनमें से एक से लेकर के 10 तक हमें टर्म वन में पढ़ने हैं। तो आइए हम देखते हैं इन शब्दों को बच्चों। पहला हमें दे रखा है जो छात्रों को पढ़ाए, अर्थात जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो जो छात्रों को पढ़ाता है वो कौन कहलाता है, अध्यापक, या हम इसे शिक्षक भी कह सकते हैं, जैसे कि हमने अभी पर्यायवाची शब्द में पढ़ा था। दूसरा है जिसका मूल्य ना आंका जा सके, तो वो कहलाता है अमूल्य। उसके बाद है बच्चों जहाँ दवाइयाँ या औषधियाँ मिलती हैं, हम सभी दवाई खरीदने जाते हैं या औषधि खरीदने जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं दवाई घर, या फिर हम कहेंगे औषधालय। औषधि के लिए शब्द आएगा औषधालय, अर्थात औषधि का आलय और दवाई घर। उसके बाद है कविता लिखने वाला। कविता लिखने वाला कहलाता है बच्चों कवि। हम सभी को पता है जो कविता लिखेगा वो कौन कहलाएगा, कवि। जो चित्र बनाए, चित्र बनाने वाला होता है बच्चों चित्रकार, उसे हम कहेंगे चित्रकार। उसके बाद है छाया देने वाला अर्थात छायादार, तो छाया देने वाला कौन कहलाया, छायादार। फिर है बच्चों प्रतिदिन होने वाला या प्रतिदिन आने वाला, तो प्रतिदिन का अर्थ हो गया दैनिक, जो प्रतिदिन होता हो। उसके बाद है जिसे किसी का डर न हो, अर्थात जो किसी से ना डरे, नाम से ही पता है ना आ गया तो बन गया हमारा निडर, जो किसी से ना डरे। उसके बाद है जो प्रशंसा के योग्य हो, अर्थात जिसकी प्रशंसा की जा सके, वो कहलाता है प्रशंसनीय, जिसकी हम प्रशंसा कर सकें। और अंत में है मन को हर लेने वाला, जैसे कि वाक्य से पता चल रहा है मन को हर लेने वाला मनोहर। तो ये हो गए बच्चों हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चों अब हम दोहरान करेंगे अनेकार्थक शब्द का। उसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 60 पर आएंगे, वहाँ है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द का अर्थ होता है बच्चों जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ निकलता हो, अर्थात अलग अलग स्थिति में अलग अलग वाक्य में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वो कहलाते हैं अनेकार्थक शब्द। यहाँ पर आपको कई सारे शब्द दे रखे हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं अंक। अंक का अर्थ होता है गोद और संख्या। इसके अलावा जैसे कि आम,
आम एक फल भी है और उसे हम साधारण भी कहते हैं, या फिर हम देख सकते हैं तीर, तीर को हम किनारा भी कहते हैं और बाण भी कहते हैं जिससे मारा जाता है धनुष से, पत्र, पत्र को हम पत्ता भी कहते हैं और चिट्ठी भी कहते हैं। तो इस प्रकार कई सारे यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं अपनी पुस्तक से। अब हम आते हैं आपकी पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों पर, जिसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 61 पर आएंगे, वहाँ हैं अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1, वाक्य में आए रंगीन शब्द का अर्थ बताइए। यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे हैं और उनमें कुछ रंगीन शब्द भी हैं, उन शब्दों का अर्थ आपको बताना है। एक ही शब्द है जो दो वाक्यों में अलग अलग जगह पर है और दोनों का अलग अलग वाक्यों में अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे कि हम देखते हैं पहला शब्द है हमारा क, उत्तर एक का क हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें वाक्य दे रखा है कि माँ ने धूप जलाकर पूजा की, और दूसरा वाक्य है आज धूप बहुत तेज़ है। तो जब धूप जलाकर पूजा की तो वो धूप का अर्थ हो गया हमारा पूजा की सामग्री। और उसके बाद जो हमारा दूसरा वाला वाक्य है उसमें है कि आज बहुत तेज़ धूप है, तो उस धूप का अर्थ हुआ सूरज की गर्मी। सूरज की गर्मी को भी हम धूप ही कहते हैं, या सूरज की जो धूप होती है वो भी धूप ही कहलाती है। दूसरा है हमारा आजकल मोबाइल फ़ोन रखना आम बात है, और दूसरा वाक्य है इसी का, देखो आम पर बौर निकल आई हैं। तो दोनों में ही इसका अर्थ अलग अलग है। पहले वाक्य में इसका अर्थ होता है आम का साधारण, आजकल मोबाइल रखना एक साधारण बात है, सबके पास होता है। और दूसरे वाले आम का अर्थ है एक फल, हम सभी को पता है, हम सभी खाते हैं आम का फल, सबको बहुत पसंद होता है। तो दूसरे वाले में इसका अर्थ है एक फल। अगला है हमारा राम ने तीर से रावण को मारा। तो यहाँ पर तीर का अर्थ हो गया बाण, क्योंकि हम बाण से ही मार सकते हैं। और दूसरा वाक्य है नदी के तीर पर जामुन का पेड़ था। तो यहाँ पर नदी के तीर का अर्थ, यहाँ तीर का अर्थ हो गया किनारा। तो आप देख सकते हैं बच्चों की यहाँ पर एक ही शब्द के अलग अलग वाक्यों में अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। अगला है हमारा घ, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। तो उत्तर में हिमालय पर्वत है, तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं उत्तर एक दिशा होती है, तो इस वाक्य में इसका अर्थ है एक दिशा। और दूसरा वाक्य है इसी का, शिक्षक ने छात्रों को प्रश्नों के उत्तर समझाए। तो यहाँ पर उत्तर का हो गया अर्थ जवाब। तो यहाँ भी अलग अलग अर्थ हो रहे हैं बच्चों। अंतिम है हमारा बंदर की मगर से दोस्ती हो गई। तो यहाँ पर मगर का अर्थ हो गया मगरमच्छ, सभी ने देखा है मगरमच्छ। और इसी का दूसरा वाक्य है हमारा बच्चों, खेलना जरूरी है मगर पढ़ाई करने के बाद। तो यहाँ पर मगर का अर्थ है लेकिन। तो इस प्रकार एक ही शब्द के अलग अलग वाक्यों में अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं बच्चों, दिए गए शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके आपको अलग अलग अर्थ लिखने हैं। तो जैसे कि आपको पहला शब्द दे रखा है कर, तो कर के दो अर्थ होते हैं बच्चों, हाथ और किरण। उसके बाद है नाना, नाना के अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है अनेक, और दूसरा अर्थ है माँ के पिता को भी हम नाना कहते हैं। उसके बाद अगला शब्द है वर्ण, वर्ण का अर्थ होता है रंग, रंग को हम वर्ण कहते हैं। और इसके अलावा हम सब पहले भी पढ़ चुके हैं, वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। इसके बाद है अंक, अंक का अर्थ होता है गोद और संख्या। फिर है हल, हल का एक अर्थ होता है उपाय और दूसरा अर्थ है
खेती का यंत्र। हम सभी जानते हैं जब खेती की जाती है तो खेती करने का जो यंत्र होता है वो हल कहलाता है, देखा होगा आपने। और अंतिम शब्द है फल। फल जो पेड़ पर लगते हैं उसका एक अर्थ तो यही होता है फल, और दूसरा होता है नतीजा या जिसे हम परिणाम भी कहते हैं। अब हम आएंगे प्रश्न संख्या 3 पर। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 62 पर आएंगे। वहाँ हमें दिया है प्रश्न 3, दिए गए शब्दों के दो अलग अलग वाक्य अर्थ वाले वाक्य हमें बताने हैं। पहला शब्द है हमारा पत्र। पत्र का एक अर्थ तो होता है पत्ता और दूसरा अर्थ होता है चिट्ठी। तो पहले हम देखते हैं पत्ता, तो उसके लिए हम लिखेंगे पेड़ से पत्र गिर गए। तो यहाँ पर पत्र का अर्थ हो गया पत्ता और दूसरा अर्थ होता है इसका चिट्ठी। तो हम लिखेंगे कि मैंने अपने मित्र को पत्र लिखा। तो यहाँ पर पत्र का अर्थ हो गया चिट्ठी। तो इस प्रकार एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ वाले दो वाक्य हो गए। अगला है फल। फल जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, फल जो कि हम खाते हैं पेड़ पर उगते हैं। तो जैसे कि मेरे पिताजी फल लाए, तो यहाँ पर फल का अर्थ हो गया फल जो खाने वाले होते हैं। और इसका जो दूसरा अर्थ है बच्चों वो होता है नतीजा, जो हमने अभी पढ़ा था। तो इसका वाक्य हम देख सकते हैं कि ईमानदारी का फल अच्छा होता है। तो जैसे कि इसका अर्थ निकलेगा यहाँ पर नतीजा या परिणाम जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ भी हमने देख लिए कि एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ जो है दोनों वाक्य में अलग अलग हैं। अंतिम हमें दे रखा है वार। वार का अर्थ होता है दिन और दूसरा अर्थ होता है अब आक्रमण। तो पहले शब्द के आधार पर हम देख सकते हैं कि सप्ताह में 7 वार होते हैं, अर्थात सप्ताह में 7 दिन होते हैं। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है राम ने रावण पर वार किया, तो यहाँ पर वार का अर्थ हुआ आक्रमण। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम दोहरान करेंगे पाठ 12 मुहावरे का। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 67 पर आएंगे, वहाँ है मुहावरे। तो बच्चों मुहावरों का अर्थ होता है कि शब्दों का वह समूह जो एक सामान्य अर्थ ना दे करके एक विशेष अर्थ हमें बताते हैं, उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। तो आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं, उसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 68 पर आएंगे। वहाँ आपको कई सारे मुहावरे दिए हुए हैं और उनके अर्थ भी दे रखे हैं। इसमें से 1 से लेकर 11 तक हमें टर्म 1 में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले वाला मुहावरा, जिसका है अंग अंग टूटना। तो यहाँ पर हमने अभी बात की थी कि यहाँ पर सामान्य अर्थ न मिलकर के हमें विशेष अर्थ मिलेगा। तो अंग अंग टूटना का अर्थ होता है बहुत थक जाना। तो ये हमें एक विशेष अर्थ मिल रहा है। उसके बाद दूसरा है हमारा आकाश से बातें करना, उसका अर्थ है बहुत ऊंचा होना। तो यहाँ भी हमें विशेष अर्थ मिल रहा है। तीसरे नंबर पर है आँखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ है धोखा देना। अगला है हमारा आपे से बाहर होना, इसका अर्थ है अधिक क्रोध में बेकाबू हो जाना। अधिक क्रोध में बेकाबू होना। उसके बाद है हमारा
19-20 का अंतर होना, तो इसका अर्थ होता है थोड़ा सा अंतर होना। तो जब किसी चीज़ में थोड़ा सा अंतर हो तो हम उसे कहते हैं 19-20 का अंतर होना, थोड़ा सा अंतर होना। इसके बाद आता है हमारा बच्चों मुहावरा है एड़ी चोटी का जोर लगाना, अर्थात एड़ी चोटी का जोर लगाना कठिन परिश्रम करना। इसके बाद है अगला मुहावरा जो है कान पकड़ना। तो कान पकड़ना का अर्थ होता है माफ़ी मांगना। जब हम कोई गलती करते हैं तो हम माफ़ी मांगते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कान पकड़ना। उसके बाद है खाक में मिलाना, अर्थात बर्बाद करना। उसके बाद अगला हमारा आ रहा है बच्चों खिल्ली उड़ाना। खिल्ली उड़ाने का अर्थ होता है हंसी उड़ाना। कई बार हम किसी की हंसी उड़ाते हैं तो उसे कहते हैं खिल्ली उड़ाना, जो हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद है घोड़े बेचकर सोना, अर्थात चिंता रहित होना या फिर बेफिक्र होना, ये इसके अर्थ होते हैं। दोनों ही अर्थ सही हैं। और अंत में है घुटने टेकना। तो घुटने टेकना का अर्थ होता है हार मानना। तो ये हुए हमारे मुहावरे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों पाठ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इसी प्रकार आप इन सभी पाठों का दोहरान करेंगे। धन्यवाद।